सब्सक्राइब करें इंडियन टेक गुरुकुल चैनल को, साथ में प्रेस करें बेल आइकन सबसे पहले बेस्ट टेक वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपनी टैबलेट में पावर पॉइंट, एक्सेल और एमएस वर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें चला सकते हैं और ये कैसे आप एक बढ़िया एक्सपीरियंस के साथ अपनी टैबलेट में काम कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, इसमें आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें यहाँ पर कुछ चीज़ों की जो आपको जरूरत पड़ेगी, वो एक सिंपल सा आपको माउस की जरूरत पड़ेगी जो कि आप बाय कर सकते हैं या फिर आप कॉम्बो भी बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। और इस टाइप से एक कीबोर्ड चाहिए ताकि टाइपिंग वगैरह काफी इजीली तरीके से कर पाए। दोस्तों उसको कनेक्ट करने के लिए आपको एक डोंगल चाहिए होगा जो कि इस टाइप से आपको डोंगल देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। ये अपनी अपनी टैबलेट के अनुसार, अगर आपकी टैबलेट में टाइप सी पोर्ट है तो टाइप सी टू ओटीजी डोंगल आप खरीद लीजिएगा और इस टाइप से ओटीजी की मदद से यहां पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक वायरलेस डोंगल होता है जिसकी मदद से जो आपका कीबोर्ड होता है और माउस होता है दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं अपनी टैबलेट में और जैसे ही हम इसको टैबलेट में अपनी कनेक्ट करेंगे तो यहां पर इसको रिकॉग्नाइज लेता है और जो हमारी टैबलेट में हमारा जो माउस है वो एक तरह से वर्क करना स्टार्ट हो जाता है और जो माउस हमारा कीबोर्ड दोनों चीजें वर्क करनी स्टार्ट हो जाती है। तो इससे हमें मदद मिलेगी जब हम लोग ऑफिस को यूज करेंगे। दोस्तों मैं आपको ऑफिस को यूज करके दिखा देता हूं कि किस टाइप से ये वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों अब हम स्क्रीन पर चलते हैं, किस टाइप से ये देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं अपनी टैबलेट की स्क्रीन पर और आप जैसे कि देख पा रहे होंगे यार कर्सर वगैरह आपको दिखना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब हमारा जो माउस है और जो हमारा कीबोर्ड है वो कनेक्टेड है। अब मैं आपको ऑफिस ओपन करके दिखाता हूँ किस टाइप से वर्क करता है। तो दोस्तों इस टाइप से हमने ऑफिस ओपन कर लिया है और दोस्तों अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल सब इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, मर्ज है बेसिकली। तो आप यहाँ से भी जो अगर आपका वर्ड का काम है तो वर्ड का काम कर सकते हैं, एक्सेल का काम है तो एक्सेल का यहाँ से कर सकते हैं, पावर पॉइंट है तो पावर पॉइंट का यहां से कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बार मैं आपको यूज करके दिखा देता हूं। एक बार हम लोग कोई भी टेम्पलेट क्रिएट करके देखते हैं एमएस ऑफिस में कि ये वर्क करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो काफी अच्छे स्मूथ तरीके से वर्क कर रहा है और हम इस टाइटल को ले लेते हैं और यहां से हम टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको कीबोर्ड एक बार यूज करके दिखा देता हूं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो काफी अच्छे से रिस्पॉन्सिव तरीके से जो कीबोर्ड है, जो हमने फिजिकल कीबोर्ड अटैच किया हुआ है, काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है और इसमें आप सारे काम कर पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं टाइपिंग काफी अच्छे से कर सकते हैं और यहां पर बोल्ड टेक्स्ट करना है तो इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो यार ये काफी सारी चीजें हैं जो काफी अच्छी तरीके से हम इसमें कर सकते हैं, अपनी टैबलेट में भी जो हमारे ऑफिस के काम है अपनी टैबलेट से ही निपटा सकते हैं। तो यार ये काफी बढ़िया चीज मेरे को देखने को लगी इसमें। अब यहां से हम इसको बैक कर लेते हैं और अब मैं आपको दूसरी कुछ चीजें यूज करके दिखा देता हूं। तो दोस्तों इस टाइप से यार ये सारी चीजें वर्क करती हैं, आपको समझ में आ रहा होगा किस टाइप से आप अपने टैबलेट में माउस और कीबोर्ड की मदद से यहां पर जो भी अपने काम है एमएस ऑफिस के, एमएस वर्ड के, एक्सेल के वो क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों इस टाइप से यहां पर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाती है, एक एक करके आप इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। अब मेरे को तो कोई ऐसा इसमें काम नहीं पड़ता तो मैं तो खाली आपको दिखाने के लिए यहां पर बता रहा हूं। कि हम लोग एक्सेल क्रिएट करें, यहाँ पर हम शीट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने 7th-8th क्लास में भी हम लोग ये सीखते थे तब इसको बनाया होगा आपने शीट्स वगैरह, तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो यार काफ़ी बढ़िया चीज़ मेरे को देखने को लगी। आई होप ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया हो किस टाइप से आप अपने टैबलेट में एमएस ऑफिस वगैरह चला सकते हैं काफ़ी ईजी तरीके से और बिल्कुल एज ए लैपटॉप वाला एक्सपीरियंस एक तरह से पा सकते हैं टैबलेट के अंदर ही। बस आपको जरूरत पर है तो सिंपल सा एक कीबोर्ड की और एक आपको माउस की और एक ओटीजी अडेप्टर की, सारे लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जहां से आप ये चीजें बाय कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी और टैबलेट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच।